जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू कर दी गई है, अतः जो भी ऐसे प्रत्याशी जो कहीं पर किसी वोटर को प्रलोभन देते हुए, चाहे वो पैसे से हो, अवैध शराब से हो अथवा किसी अन्य तरीके से हो, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस का लगातार अभियान जारी है। इसमें लगभग 100 के करीब अपराधियों को पिछले एक महीने में जेल भेजा जा चुका है। जो इसमें इस तरह के संगठित गिरोह प्रचलित हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।